ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, आई होप अच्छे हो गए और अच्छे ही रहना। और आज इस वीडियो में एक बार फिर से मेरे पास आपके लिए रेसलिंग से जुड़ी एकदम भर भर के मतलब मसाला लगाकर अपडेट्स हैं। ब्रॉक लेसनर के द बीस्ट या फिर बीस्ट इन कार्नेट, ये वाले निकनेम आपने सुने होंगे, लेकिन अंडरटेकर ने एक नया निकनेम ब्रॉक लेसनर का रिवील किया है जो कि आपको इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता होगा। रोमन रेंस के थीम सॉन्ग का तो हम सभी लोग वेट कर रहे हैं और इसके बारे में फाइनली रोमन रेंस ने हमको अपडेट दिया है और वो चीज भी बताई है जो WWE इतने सालों से रोमन रेंस को नहीं करने दे रही थी। एलिस्टर ब्लैक के बारे में, उनके रिटर्न के बारे में, WWE बैकस्टेज के शो के रिटर्न के बारे में बहुत सारी भाई इस वीडियो के अंदर बातें हैं। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और भाई कल तो चैनल के ऊपर हमारे नए फ्रेंड भी आ चुके हैं, आप लोग आई होप उनसे मिल ही लिए होंगे। नहीं मिले हो तो भाई ऊपर आई बटन पर इसमें वीडियो आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक होगा, जाकर मिल सकते हो। रोहित पंत को तो आप लोगों ने देखा है, लेकिन जरा हमारे फ्रेंड रोहित रैप्टा से भी मिलकर आप लोग आ सकते हो। और गाइस शुरुआत करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ से जो कि ट्विटर के ऊपर हुई, और एक बंदे ने, एक जो कि फैन आप लोग बोल सकते हैं, एक यूज़र है, उसने सीएम पंक से पूछा कि हु वॉज योर फेवरेट WWE सुपरस्टार इन 2020। और गाइस जो रिप्लाई आया ना सीएम पंक की तरफ से, मतलब मैं तो ये देखकर शॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नाम लिया है गोल्डबर्ग का और साथ ही साथ लिखा है स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम। और देखो अगर मैं आपको अपना आइडिया लगा के बताऊं तो मेरे हिसाब से तो सीएम पंक ने गोल्डबर्ग का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि सीएम पंक इस बात में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि कैसे कम से कम काम करके ना मोटा पैसा कमाया जा सके। और 2020 में हमारे गोल्डबर्ग ने क्या किया, एक बार उन्होंने फीड भराया, उसके बाद रेसलमेनिया में रेसल किया और अपनी जेबें भर के वो चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर सीएम पंक ने गोल्डबर्ग का नाम लिया है, जो कि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई लगा क्योंकि उनकी नज़र में वैसे गोल्डबर्ग इतने कोई मतलब बड़े नहीं है खिलाड़ी, लेकिन अगर आप पैसे या जेब भरने की बात करो तो उस हिसाब से सीएम पंक जो है काफ़ी इंप्रेस है गोल्डबर्ग से। अब वैसे आप पूछोगे कि भाई सीएम पंक कब आ रहे हैं वापस, तो देखो 2021 का रॉयल रंबल आ रहा है, बहुत सारी वीडियोज़ या फिर न्यूज़ स्टोरीज आर्टिकल्स आपको दिख जाएंगे कि सीएम पंक वापस आ जाएंगे, मतलब क्लिक्स के लिए, वही फालतू का जो क्लिक बेट वगैरह चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ जो है सीन बनने नहीं वाला है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है ब्रॉक लेसनर के लुकअलाइक पार्कर से। मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोस के अंदर बताया नहीं था कि कैसे ब्रॉक लेसनर जैसे द नेक्स्ट बिग थिंग है, वैसे ही करके सोशल मीडिया पर एक सुपरस्टार जो बहुत ज्यादा चल रहा है, इवन पॉल हेमन ने भी उनके ट्वीट को कोट किया था। तो गाइस उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी प्रो रेसलिंग के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी आ सकते हैं तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के जो लुकअलाइक हैं पार्कर, उनको NXT में बैकस्टेज जो है लोगों ने देखा था। अब अगर वो NXT के बैकस्टेज में पहुंच गए तो भाई एरा गैरा नथू गैरा कोई बंदा तो पहुंचेगा नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर किसी तरीके के हो सकता है पार्कर WWE के साथ टॉक्स में है। और क्योंकि ब्रॉक लेसनर के नाम से ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर इनको अटेंशन मिलना शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है बहुत जल्दी आपको पार्कर WWE में अपना डेब्यू भी करते हुए दिखाई दे जाए। तो देखो भाई ब्रॉक लेसनर ने तो नेक्स्ट बिग थिंग करके अपना नाम आज कितना बना लिया है, हालांकि वो बहुत साल पहले की बात है जब नेक्स्ट बिग थिंग के नाम से ब्रॉक लेसनर आए थे। और अगर ये पार्कर वाले भैया हमारे ये भी ऐसे ही कुछ करके आ जाते हैं तो शायद ये भी WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर जैसे तो नहीं, लेकिन हाँ बड़े स्टार बन सकते हैं। तो इनके बारे में अपडेट थी जो कि डेफिनेटली मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग बढ़ते हैं और गाइस स्टिंग का पहला मैच ऑफिशियल हो चुका है AEW के अंदर, और जैसे कि हम लोगों को लग भी रहा था कि शायद वो डार्बी एलन के साथ कुछ करने वाले हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती यारी मतलब जो भी कुछ है वो चल रहा है उनके अगेंस्ट, तो क्लियरली लग रहा था कि वो नहीं है। और गाइस रेवोल्यूशन जो AEW का पेपर व्यू है उसके लिए टीम टैग यानी कि ब्रायन केज एंड रिकी स्टार्स वर्सेस स्टिंग और डार्बी एलन का एक टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है। और गाइस ये कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला बल्कि ये होने वाली है एक स्ट्रीट फाइट मैच। अब स्टिंग की एज आपको पता है इतनी ज्यादा है, कैसे वो रेसल करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। अब पिछले कुछ हफ्तों से मैं कवर कर नहीं रहा हूं AEW NXT को, लेकिन अब शायद नेक्स्ट वीक से आपको जो चैनल के ऊपर ये चीज कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। तो स्टिंग का मैच हो चुका है ऑफिशियल, ये है आज की एक बड़ी स्टोरी। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और गाइस ये जुड़ी है गोल्डबर्ग एंड ड्रू मैकइंटायर से। अब आपको पता ही है हमको रॉयल रंबल के अंदर दोनों का WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। गोल्डबर्ग इतने सालों से रेसलिंग के अंदर अपनी लेगेसी बना चुके हैं, ड्रू मैकइंटायर भी उसी पाथ पर चल रहे हैं। और गाइस ड्रू मैकइंटायर ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है इस मैच को लेकर। अब वैसे यूजुअली क्या होता है, जब भी किसी सुपरस्टार का किसी के साथ मैच होने वाला होता है तो वो उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लग जाता है कि भाई तू ये तो देख लूंगा, तू ये तो फेर दूंगा, लेकिन यहाँ पर बड़े ऑनेस्ट तरीके से ड्रू मैकइंटायर ने जवाब दिया इस बात का। उन्होंने कहा कि गोल्डबर्ग के साथ लड़ना मेरा हमेशा से ही ड्रीम मैच था, क्रिएटर रेसलर करके तो मैंने गोल्डबर्ग के साथ बहुत बार फाइट करी है, लेकिन रियलिटी में फाइट करना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा एंड आई वॉज सच अ ह्यूज फैन। मतलब अभी तो उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि गोल्डबर्ग ने जिस तरीके से रॉ में मेरे साथ बिहेव किया मैं उनका फैन था, बट स्टिल अगर आप लोग रियलिटी में पूछो तो अभी भी ड्रू मैकइंटायर जो बहुत ज़्यादा गोल्डबर्ग को एडमायर करते हैं। तो बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं हेल्दी हमको कॉम्पिटिशन सा देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर और गोल्डबर्ग का, लेकिन सवाल तो वही रहने वाला कि भाई दोनों में से जीतेगा कौन, क्योंकि अगर गोल्डबर्ग जीत गए
फिर तो भाई पूरी तरीके से तबाही मच जाएगी। खैर उसके बारे में अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में ही कहा कि हमने तो ब्रॉक लेसनर के नाम सुने हैं, द बीस्ट या फिर बीस्ट इनकार्नेट या फिर स्ट्रीक तोड़ने वाले बंदे, लेकिन अंडरटेकर ने यहाँ पर एक बड़ी अंदर की बात बताई ब्रॉक लेसनर के बारे में। और सबसे पहले उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में ये कहा कि मैंने दूसरा कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि इतने बड़े साइज का है और उसके बावजूद इतनी तेजी से मूव कर रहा है, उसका स्टैमिना इतनी ज्यादा है, मतलब एक एथलीट टाइप का वो सुपरस्टार है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैंने ब्रॉक लेसनर का नाम रखा था वेनिला गोरिला, जो कि WWE की तरफ से कभी भी ऑफिशियल निकनेम तो नहीं था, लेकिन बैकस्टेज हम जो लोग थे वो इसी नाम से ब्रॉक लेसनर को बुलाया करते थे, क्योंकि इतने बड़े साइज के होने बावजूद भी जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर मूव करते थे वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। तो इमेजिन करो द बीस्ट या फिर बीस्ट इनकार्नेट की वजह अगर हमको द वेनिला गोरिल्ला नाम देखने को मिलता, थोड़ा सा भी सुनने में अजीब लग रहा है क्योंकि हमको इसकी आदत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली भाई अंडरटेकर ने नाम रखा है तो ये नाम जो अच्छा ही होगा। और इससे हमको यही पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर की जो यारी है ना वो बहुत टाइम पुरानी है और बैक से जो इनके रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। भले ही टेलीविजन के ऊपर ब्रॉक लेसनर मतलब बिल्कुल खतरनाक से नजर आते हैं, लेकिन एटलीस्ट अंडरटेकर के साथ उनकी यारी बैक से काफ़ी अच्छी है। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एलिस्टर ब्लैक के बारे में कॉमेंट करके पूछा, और बताऊं तो मेरे पास भी आपको बताने के लिए कुछ था नहीं कि अलिस्टर ब्लैक कहां है क्या कर रहे हैं, लेकिन फाइनली PW इनसाइडर की तरफ से हमको अपडेट ये मिली है कि WWE ने पर्पसली रॉ से अलिस्टर ब्लैक को गायब किया था। आपको पता है लास्ट टाइम उनकी जो फ्यूड थी वो केविन ओवेंस के साथ थी और WWE ने जानबूझ के अलिस्टर ब्लैक को टाइम ऑफ दिया था ताकि अगली बार जब अलिस्टर ब्लैक का रिटर्न हो तो वो किसी ड्रामेटिक तरीके से अलिस्टर ब्लैक को दिखा सके जो कि पहले से भी ज्यादा अलिस्टर ब्लैक का खतरनाक वर्जन होगा। लेकिन आपको पता है बीच में क्या चल हुई, जो उनकी वाइफ है ज़ेलिना वेगा उनको WWE ने फायर कर दिया, रिलीज कर दिया, तो इसकी वजह से जो मामला है ना वो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज ने एलिस्टर ब्लैक को भी किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट किया होगा। अब ये नहीं कह रहा कि एलिस्टर ब्लैक भी WWE कंपनी से चले जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से शायद ऐसे हम लोग बात मान सकते हैं कि प्लान्स में डिले हो गए। लेकिन WWE का प्लान है बहुत जल्दी स्मैकडाउन के एपिसोड में, मंडे नाइट रॉ पर नहीं बल्कि स्मैकडाउन के एपिसोड में एलिस्टर ब्लैक को एक नई तरीके से प्रेजेंट करना। आप लोग कह सकते हो शायद WWE एलिस्टर ब्लैक को रीपैकेज भी कर सकती है। तो यहां पर एलिस्टर ब्लैक के बारे में अपडेट, आप में से बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे तो मुझे लगा आपके साथ ये चीज जो है जरूर शेयर कर देनी चाहिए। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है WWE बैकस्टेज के शो से। अब आपको पता है फॉक्स के ऊपर जो है रेने यंग भी आती थी, सीएम पंक भी, बुकर टी, ये सारे हमको लोग देखने को मिलते थे, क्रिश्चियन भी देखने को मिलते थे, लेकिन जब रेटिंग्स इतनी कम आ गई तो फॉक्स वालों को जो अपने वॉइस वाले शो को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन गाइस रॉयल रंबल के लिए एक बार फिर से जो WWE बैकस्टेज का शो है वो वापस आ रहा है और जो हमारा WWE ऑन फॉक्स का ट्विटर अकाउंट है उसकी तरफ से हमको ट्वीट देखने को मिलता है जहां पर रेने यंग हमको वीडियो के अंदर देखने को मिल रही है और भाई वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि कैसे दोबारा से उनको शो में काम करने का मौका मिलेगा। अब आप सोचोगे कि भाई WWE से तो फायर हो गई मतलब रिलीज हो गई, लेकिन अब वो इस शो में कैसे आएंगे, तो गाइस मैं आपको बता दूं फॉक्स के साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट अलग है और WWE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो इसी वजह से वो इस वाले शो के अंदर आ जाएंगे। और यहां पर 30 जनवरी को हमको WWE बैकस्टेज का शो देखने को मिलेगा जो कि रॉयल रंबल से ठीक पहले होगा और यहां पर जो है रॉयल रंबल के बारे में बातें होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बैकस्टेज के शो के रिगार्डिंग है। वैसे इतना भी कोई कमाल का शो नहीं होता सही बताऊं तो, सीएम पंक के आने की वजह से इसकी हाइप बन गई थी, बाकी वैसे तो जैसे नॉर्मल सा टॉक शो होता है वैसे ही है। तो देखते हैं जो ये रिटर्निंग एपिसोड है ये कैसा परफॉर्म करके दिखाता है, स्पेशली इसकी जो रेटिंग्स है वो कैसे आती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो भाई जो रेटिंग्स है उनका हाल था बहुत ज़्यादा बेहाल। और गाइस अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है रोमन रेंस से। और मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बताया नहीं था कि कैसे रोमन रेंस ने खुद कहा है कि उनका एक थीम सॉन्ग जो है बहुत जल्दी आने वाला है। सितंबर में उन्होंने ऐसा कहा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई जनवरी भी अब जो है निकल ही जाएगी, लेकिन अभी तक हमको रोमन रेंज का थीम सॉन्ग नहीं देखने को मिला है। तो जब यही क्वेश्चन रोमन रेंज से किया गया तो रोमन रेंज ने यहाँ पर कहा कि भाई थोड़ा सा तुम धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि जब मेरा थीम सॉन्ग आएगा ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरा थीम सॉन्ग है वो ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो जब हम किसी नई चीज़ की तरफ ट्रांजिशन करेंगे तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वरना जो है फैंस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद आएगी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा थीम सॉन्ग है ना उसकी वाइब बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती हो ताकि मेरे ऊपर बिल्कुल सूट करे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी रैपर को बुलाएं या फिर दो चार म्यूजिक ऊपर नीचे करके कुछ भी मेरा थीम सॉन्ग बना दिया। उन्होंने कहा इसमें टाइम लग रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है और जब भी चीज आएगी तो ये बहुत ही परफेक्शन के साथ आएगी। तो ये अपडेट यहां पर रोमन रेंस ने थीम सॉन्ग के बारे में दिया। अब जिस हिसाब से रोमन रेंस कह रहे हैं शायद हो सकता है इस चीज में थोड़ा सा और टाइम लग जाए, लेकिन गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रोमन रेंस ने और रिवील करी और उन्होंने यहां पर कहा कि मैं बहुत टाइम से सबमिशन मूव का यूज करना चाहता था, जो कि आप अब देख भी रहे हो रोमन रेंस के इस वाले कैरेक्टर के साथ हमको उनका सबमिशन मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन WWE मैनेजमेंट की तरफ से मुझे अलाउ नहीं किया गया था। बहुत टाइम से मैंने इसको लेकर रिक्वेस्ट करी थी लेकिन मेरे उस वाले कैरेक्टर के साथ कभी भी मेरे को ये करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। और रीजन था उसके पीछे मेरा स्पीयर वाला मूव, क्योंकि सभी को यह लगता था कि स्पीयर मूव इतना खतरनाक है कि इसके अलावा मुझे और किसी फिनिशर की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनली अब जब मेरा हील टर्न हुआ तो फिर जो है उनको एक तरीके से आप कह सकते हो इजाजत मिली या फिर थोड़ा कंट्रोल मिला अपने कैरेक्टर के ऊपर, और उसके बाद रोमन रेंस ने इस वाले सबमिशन मूव का यूज किया। और उन्होंने ये भी कहा कि वो UFC या फिर MMA के बहुत बड़े वाले फैन हैं और इसीलिए इस वाले सबमिशन मूव का वो यूज करते हैं। तो कुछ यहां पर अपने सबमिशन
वाले मूव के बारे में भी रोमन रेंस ने बात बताया, कैसे पिछले टाइम से WWE ने उनको रोक कर रखा था, लेकिन फाइनली जैसे ही करेक्टर आया रोमन रेंस एकदम फट गए हमारे सामने और आ गया उनका सबमिशन वाला मूव। ऐसे इंटरेस्टिंग तो है काफी ज्यादा मूव, जितने ज्यादा आपके कह सकते हैं तरकश में तीर होते हैं उतने एक बढ़िया सुपरस्टार बनता है। और गाइस हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके ब्रॉक लेसनर के वैनिला गोरिल्ला निकनेम के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हो। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।